फिजिक्स मैक्सिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा मिनिमा। तो जो इससे पहले क्लास थी हमने उसमें डिस्कस किया था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में है लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। देखिए डिफाइंड का मतलब होता है फंक्शन की डोमेन में डिफाइंड होता है फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन अपनी डोमेन में डिफाइंड होता है तो एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ इंटरवल आई। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए कहां से मिलता है हमको, ए पॉइंट मिलता है सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, फिर उसको जीरो पुट करते हैं, वहां से हमारा एक्सट्रीम पॉइंट निकलता है। जब हमारा एफ एक्स का साइन एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो वो जो पॉइंट होगा हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, उस पॉइंट पर हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये पॉइंट होता है हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट्स में कि एफ एक्स इज मिनिमम इफ, मतलब वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज मिनिमम इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल टू बी। मान लीजिए हमने एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी कुछ भी आ सकती है, तो एक पॉइंट पर हमने चेंज किया और चेक किया, फिर हमने दूसरे पॉइंट पर चेक किया। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स इज नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज। मीन्स अगर साइन चेंज ना हो, मतलब प्लस से प्लस पर रहे और माइनस से माइनस, जैसे मान लीजिए प्लस से माइनस हुआ और माइनस से प्लस हुआ, उसमें क्या होगा, यहाँ पर भी लेफ्ट, हम चेक कैसे करते हैं कि कोई भी हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है फंक्शन का, मान लीजिए थ्री है, तो लेफ्ट में और राइट में तो चेक करते हैं हम, ठीक है। तो जब फंक्शन लेफ्ट से पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव बन जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव तो मिनिमम। लेकिन अगर यहां भी पॉजिटिव हुआ और यहां भी पॉजिटिव हुआ, या यहां भी नेगेटिव हुआ यहां भी नेगेटिव हुआ, मींस लेफ्ट से जब हम राइट में जाते हैं, पॉइंट जो हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट में से बोलते हैं एफ डैश एक्स जीरो पुट करके जो निकलेगा, लेफ्ट से राइट में अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम, अगर साइन चेंज नहीं होता है मींस लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव, या लेफ्ट में भी नेगेटिव राइट में भी नेगेटिव, तो उसे बोलते हैं नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। तो ये हमने डिस्कस किया था आपके लिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था कि इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम कैसे निकालते, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को फिर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, फिर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी हम आज
डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, वैसे ही आपके पास नोट होगा। ये कल की क्लास का हमारा टोटल जो भी हमने समझाया था वो ये इन तीन पॉइंट के अंदर है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमारा ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर कर दिया करो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पार्ट करते हैं। फंक्शन हमें दिया है gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो हमें इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। सबसे पहला काम हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, g डैश x इक्वल टू ये हमारा आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहले हम f डैश x, g डैश x को जीरो पुट करेंगे। प्रोसेस सब क्वेश्चनों का सेम है, बस आपकी कैलकुलेशन वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन के। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी ये जो हमारे पॉइंट आए हैं हम इसे रियल लाइन पर प्लॉट करेंगे। यहाँ माइनस 1, यहाँ 1 और यहाँ पर आपका आएगा ये इनफाइनाइट। तो अब हम चेक करेंगे इन इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का साइन। सबसे पहले आप देखिए यहां पर चेक करेंगे माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 तक आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया माइनस 2, एक हमने पॉइंट ले लिया माइनस 2 और माइनस 2 को जब हम इसमें रख के देखेंगे ये जी डैश एक्स है हमारे पास। तो यहां लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लिया हमने यहां पर, तो जी डैश माइनस 2। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो ये 4 माइनस 1 ये पॉजिटिव में आएगा। 4 माइनस 1 कितना आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर जो जी डैश एक्स है ये पॉजिटिव आया। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर x इक्वल टू 0। जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो g डैश x का जो साइन है वो नेगेटिव में आएगा। अब देखिए माइनस 1 पर हमारा जो g डैश x का साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x ये 1, तो 1 पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं 2। 1 से बड़ी कोई भी इस इंटरवल में ले लीजिए, x हमने 2 ले लिया, फिर वही g डैश x हमारा यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। अगर हम इसमें रख के देखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव। अब हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 पर आप देखिए साइन ऑफ g डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंस साइन ऑफ जी डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो देयरफॉर जी एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। क्योंकि हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकाल रहे हैं तो अब यहां पर लोकल मैक्सिमम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट भी हमें मिल सकते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के अंदर। अब हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। अब ये वैल्यू यहां पर डलेगी हमारे पास, जब हम माइनस 1 डालेंगे तो ये माइनस आएगी, ये प्लस 3, तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो सिंस साइन ऑफ जी डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए इसके लेफ्ट में नेगेटिव है, इसके राइट में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो देयरफॉर जी एक्स इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1।
ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, अब आप इसमें वन डाल दीजिए, वन डालेंगे तो यह आएगा माइनस टू। सो आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें। फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। स्टार्ट करते हैं, इंटरवल हमें 0 से पाई 2 पाई दिया, तो हमें 0 से 2 पाई के बीच में ही हमें चेक करना है कि फंक्शन कहां पर लोकल मैक्सिमम और कहां पर लोकल मिनिमम। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, अब पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, यह पोल में आएगा इसके, तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन टेन में होती है 135 की वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास 3 पाई बाई 4, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z। देखिए, या तो आपको याद हो कि 0 से 2 पाई के बीच में ऐसी कितनी वैल्यूज है जहां पर हमारे पास 10x की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो आपको ये बिना यूज करे भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला बिना यूज करे भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो ये लगाना बेस्ट है। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू डालेंगे, सबसे पहले हमने n की वैल्यू 0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू आया 3 पाई बाई 4, फिर जब हम 1 डालेंगे इसके अंदर तो ये है 1, ये आएगा तुम्हारा 1 डालने पर आएगा ये 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 आएगा 315, 315 डिग्री आएगा, 45 इंटू 7 315 और ये आया 135। अगर मैं इसके अंदर 2 डालता हूँ तो ये आएगा तुम्हारा 8, 11, तो ये 400 समथिंग पहुंच जाएगा, जो कि 0 से 2 पाई के बाहर पहुंच जाएगा। नेगेटिव में अगर हम डालते हैं, माइनस 1 डालना शुरू करते हैं, तो माइनस 1 पे एंगल नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव है नहीं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। सिर्फ हमें 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले, ये एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं जहां पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब आप देखिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, अब हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर ऐसे, उसमें हम 0 और यहाँ पर हम इसे 2 पाई प्लॉट करेंगे, क्लियर है। अभी यहाँ से हमारे पास वैल्यू है 3 पाई बाई 4 और यहाँ से हमारे पास है 7 पाई बाई 4। अब ये तीनों इंटरवल में आपको चेक करना है एफ डैश एक्स का साइन, ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। तो आप ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास 0 से लेकर के 3 पाई बाई 4 यानी 135, तो अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा करके आप देख लीजिए और इसमें डाल के देख लो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ से, ले ली हमने यहाँ से 45 ले ली, चलो यहाँ से हमने एक एक्स की वैल्यू ली पाई बाई 4 और एफ डैश एक्स में जब हम रख कर देखेंगे इसको, कोस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, ये आया हमारा रूट 2। भाई cos 45 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 मींस रूट 2। तो यहां पर जो f डैश x है ये हमारे पास पॉजिटिव आया। अब 135 और 315 के बीच में कोई भी आप एक एंगल लीजिए, मैंने ले लिया एंगल 120 डिग्री। अभी एक वैल्यू हम उठाएंगे इस इंटरवल में से, हमने ले लिया 5 पाई बाई 6, 150 डिग्री इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब आप देख लीजिए साइन कैसा आएगा, एफ डैश एक्स में रख के देख लीजिए। ये काम आप रफ में भी कर सकते हो, सिर्फ हमें साइन से मतलब होता है, और करके दिखा दो, साइड में करके भी इसे दिखा सकते हो। तो ये आएगा हमारा कोस 5 पाई बाई 6 प्लस साइन 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री। तो कोस 150 तो अगर हम चेंज करेंगे तो वह कोस 180 माइनस 30, तो ये हमारा आएगा माइनस कोस 30 और ये हमारे पास आएगा प्लस साइन 30, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में लिखेंगे से 180, ये 150 डिग्री है 150, तो 180 माइनस 30, तो ये आएगा हमारा साइन 30, साइन पाई बाई 6।
सो ये वैल्यू हमारे पास होती है रूट थ्री अपॉन टू, ये हमारे पास वन अपॉन टू, ये नेगेटिव में आ गई। तो एफ डैश एक्स का साइन है वो हमारे पास नेगेटिव में आया है। अब 315 से बड़ा और 315 से बड़ा लेना है और 360 से छोटा एंगल, कोई भी एंगल ले लीजिए। तो हमने ले लिया यहाँ से x, हमने ले लिया 11π/6 330। ऐसा एंगल ले लीजिए जिसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सको। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बैठता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी हम इसको साइन चेक कर सकते हैं। बट ये बेटर है हमारे पास कि x की वैल्यू हमने ली 11π/6, ये होगा हमारा 330 डिग्री। तो एफ डैश एक्स में हम रख के देखेंगे cos 330 प्लस sin 330, तो ये आया तुम्हारा, इसे लिखेंगे 360 माइनस 30, तो ये आएगा cos 30, ये आएगा माइनस sin 30। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन रूट थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, ये पॉजिटिव में आ गया। तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव में आ गया। अब हमारे पास दो पॉइंट आए थे इसके अंदर 3π/4 और π/4। तो अब यहां पर लिख सकते हो, अब क्या करना है आपको, एट x इक्वल टू 3π/4 सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes positive to negative, it means fx is local maximum at x equal to 3π/4. अब हम देखते हैं local maximum value, the local maximum value of fx is sin 3π/4 plus minus cos 3π/4। देखिए इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है -1/√2। ये आएगा तुम्हारे पास, ये आ गया √2। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा पॉइंट है हमारे पास 7π/4 एट x इक्वल टू 7π/4 साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes from negative to positive, negative नीचे आया positive ऊपर गया है, ठीक है ना, क्लियर है? तो fx is local minimum at x is equal to 7π/4 315। अब local max, local मिनिमम वैल्यू इक्वल टू साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4। देखिए इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप देखिए 7π/4 315, ये हम इसको लिखेंगे 360 माइनस 45, तो ये आपका आएगा माइनस साइन 45 और ये प्लस का कोस 45, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा -√2। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे। अभी हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी अभी, तो उसमें से उन वो करीब 20 से 25 प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। वो मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी टेस्ट से करेंगे, तो इसे आप समझिए। सबसे पहले देखिए, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, कोई इंटरवल है हमारे पास जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएंगे,
एच थ्री पॉइंट मान लीजिए हमारे पास आ गया ए बी और सी, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एफ डबल डैश एक्स निकल जाएगा। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं हम इसमें पुट करेंगे। मान लीजिए सपोज करो हमने ए पुट किया, अब ये सुनना ध्यान से, एफ एक्स इज मिनिमम इफ एफ डबल डैश मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी जो भी पॉइंट है, इफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। ये ध्यान रखना इसमें उल्टा होता है, लेस देन पर मैक्सिमम होता है और ग्रेटर देन पर ये पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए यहां पर लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स की जगह लिखेंगे एफ डबल डैश ए। मान लीजिए आपने उसको डबल डिफरेंशिएट किया, जो पहली क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट है, आप इसको इसमें पुट करेंगे, पुट करने पर अगर नेगेटिव आ गया तो एफ एक्स इज मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू एफ ए। अगर पॉजिटिव आ जाती है, सॉरी एक मिनट यहां गलत लिख दिया मैंने, एफ एक्स इज मैक्सिमम, इसमें मैंने आपको बताया उल्टा होता है, लेस देन पर मैक्सिमम होता है और ग्रेटर देन पर मिनिमम होता है, तो लेस देन पर ये मिनिमम मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ ए। अब सेकंड पॉइंट है, मान लीजिए एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू बी, एट एक्स इज इक्वल टू बी इफ एफ डबल डैश बी ग्रेटर देन जीरो। मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो पर क्या आएगा, ये मिनिमम आएगा, एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू आएगा एफ बी। ये ध्यान रखना इस चीज का, पहले आप ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, अगर लेस देन आता है किसी भी पॉइंट पर तो मैक्सिमम है और ग्रेटर देन आता है तो मिनिमम। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स इज नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, इफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो। अगर किसी पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स जीरो आ गया तो हम वहां पर लिखेंगे नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, और जो ये पॉइंट है हमारे पास सी, ये जो भी पॉइंट आएगा सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहलाता है। सपोज द वीडियो रेड डाउन, अभी हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आएंगे, तो आप इसे नोट करिए जरा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और हम इसको यूज करके दिखाएंगे आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल सेकंड ऑर्डर टेस्ट है हमारे पास। देखिए एग्जाम में आपका अगर आता है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे, अगर आता है सेकंड ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर से करेंगे, अगर कुछ भी नहीं आता लिखा हुआ तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना, थोड़ा इजी होता है ये, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास, यहां से लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू दिस तो इसे हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 0, ठीक है, 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 24x। अभी यहां पर हम 12x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं सबसे पहले, तो
इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं, ये आएगा स्प्लिटिंग इसकी 2x-x-2, x कॉमन लिया हमने, माइनस वन कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आया x-1 और x+2। सबसे पहले f'x को तो हमें 0 पुट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए। 12x x-1 x+2 = 0, तो x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -2। तो हमारे पास तीन वैल्यू आई, 0, 1 और -2। किसकी वैल्यू आई है? एक्सट्रीम पॉइंट मतलब x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा हमारे पास f"x, ये आएगा तुम्हारे पास 36x² प्लस 24x-24। देख लीजिए आप, ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, यहां से कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगी, 12 कॉमन ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज को इसमें डाल के देखना है बारी बारी से। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, तो f"0 देखते हैं, तो ये आएगा 0+0-2 यानी कि -24, ये नेगेटिव में आ गया, तो इट मींस नेगेटिव पे क्या होगा, मैक्सिमम इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पर क्या है, ये लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f0, इसमें हम 0 डाल देंगे स्टार्टिंग में, जब हम 0 डालेंगे तो 0 0 0 12 आ गई, कितनी आ गई है 12। अब एट x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं, तो f"(1) 1 रखेंगे तो 1 1, 5 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 12 3 36 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। पर पॉजिटिव में क्या बताया आपको कि fx इज लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल दीजिए, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी 1, डाल दीजिए यहाँ पर 1 1, तो कितना हो गया ये 7, और 12 से 12 कट जाएगा, तो आंसर आ गया 7। अब थर्ड पॉइंट पर आप खुद चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -2 आप इसमें डाल के देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर -2 पर ये पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम, और नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, तो एट x is equal to -2, ये है dys means do yourself, इसे आप खुद करेंगे। Suppose the video note it down, ये हमारे पास second derivative test से local maxima, local minima find करने का ये तरीका होता है, तो अब आप दोनों में से कोई सा भी method apply कर सकते हैं। Suppose the video note it down। Next topic है हमारे पास absolute maxima and absolute minima। देखिए मैंने इससे पहले discuss किया था, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है जिसका ग्राफ दिया, ठीक है, तो जितने भी हमारे पीक्स बनते हैं ये सब है लोकल मैक्सिमम, और जितनी भी वैलीज बनती है हमारी वो सब है हमारे पास लोकल मिनिमम। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब है जो सबसे बड़ी है, वो यूनिक होगी, एक ही होगी किसी भी कर्व का, तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये है हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अब हम ये निकालेंगे, इसमें कोई मेथड नहीं है, सिंपल है, जो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए सब इसी टाइप से होंगे ये, बल्कि सबसे ज्यादा इजी है निकालना, तो आप इसे नोट करिए अगर आपको। अब हम ये पॉइंट्स निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन लेते हैं उससे ये हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। अब आप देखना, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लेते हैं इसका,
फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 टू 5। तो इसने हमसे पूछा है क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 5 के बीच में। देखिए जो हमने अभी हमने मेथड किया था डबल डेरिवेटिव टेस्ट, मान लीजिए हमारे पास तीन पॉइंट्स पर वो आया लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो तो तीन वैल्यू हमारे पास आएगी, उसमें जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगी हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ऐसे ही मान लीजिए तीन लोकल मिनिमम है तो हमारे पास तीन लोकल मिनिमम वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। मान लीजिए एक आई वन, एक आई टू, एक आई थ्री, उसमें मिनिमम कौन सी है वन, तो वो क्या होगी हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम। और अगर हमें इंटरवल दिया हुआ है तो और भी आसान है। अब आप देखिए इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x + 36। क्लियर है ये? अब यहां से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। स्प्लिटिंग जब हम करेंगे इसकी x माइनस 3 और x माइनस 2 इसकी स्प्लिटिंग आएगी। अब हम इसे 0 पुट करेंगे, पुट करेंगे f डैश x को 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2y और x की वैल्यू 3y। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आपको डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपको पूरी डोमेन में आंसर देगा। ये ध्यान से सुनना, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर लगाते हो तो वो थ्रू आउट हमें डोमेन में आंसर देगा, ठीक है। उसने पर्टिकुलर हमें इंटरवल में बात की है, तो वो समझिए इसे। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, ठीक है। अगर मैं इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करता हूँ तो वो आंसर हमें ये देगा, लेकिन अब हमें नहीं पता उसने 1 से लेकर 5 के बीच में पूछा है। मान लीजिए 1 ये है और 5 ये है, तो इस इंटरवल में तो इसकी मैक्सिमम ये और मिनिमम ये हो सकती है। मान लीजिए 1 है और ये हमारे पास क्या है 5 है, ठीक। और चलो इसे थोड़ा सा अगर मैं नीचे कर देता हूं तो ये मिनिमम हो सकती है और ये मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि इसने पूछा है इंटरवल में, मतलब उस पूरे ग्राफ का एक पोर्शन उठाया है। मान लीजिए सब हटा दीजिए इसके आगे का, ये सब मिटा दीजिए, सिर्फ ये है हमारे पास 1 से लेकर 5 तक का इंटरवल। मान लीजिए ये 1 है, ये 5 है और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हमें सिर्फ इस पोर्शन के अंदर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए भाई ये बात तो पक्की है, या तो मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा या जो पॉइंट है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो ग्राफ हमने काट दिया तो जरूरी नहीं है कि वो हमने काटा है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे कटा है। मान लीजिए एक्सट्रीम पॉइंट ये है और काटा हमने उसे यहां से है, तो ये वैल्यू हो सकती है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम। तो अब यहां पर जो हमारी एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं ये, साथ में हमें ये भी लेने पड़ेंगे दो, क्योंकि हो सकता है कि वो यहां पर मैक्सिमम, मान लीजिए जैसे 2 और 3 आया, सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 5 है। मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल बनाता हूं, तो ये 2 पर मिनिमम है लेकिन 1 पर ये मैक्सिमम है, 3 पर तो नहीं आया ना ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। इसलिए हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ x आएगी वो ये भी लेनी पड़ेगी 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल बना हुआ है, देख लेना ध्यान से, और 2, 3 और वो 5। अब हमें ये पता है कि इन चारों में से ही किसी पर मैक्सिमम और किसी पर मिनिमम होगा। जब हमें पता है कि इन चारों में से किसी पर होगा, इन चारों वैल्यूज को इसमें डाल के देख लो, जो सबसे बड़ी आ जाए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट। अब हम चारों वैल्यूज को इसमें डाल के देखेंगे। सबसे पहले f1 जब हमने डाला इसके अंदर, तो जब हमने इसके अंदर 1 डाला तो ये आएगा 2 - 15 + 36 + 1, ठीक है, 2 - 15 + 36 + 1 ये हो गया 39 - 15 = 24, ठीक है। ये आया हमारे पास कितना, ये आया हमारे पास 24। अब हम निकालेंगे f2,
एफ टू जब हम डालेंगे इसके अंदर ए माइनस टू डालेंगे तो ये बन जाएगा 60, इसमें टू डालेंगे 72 प्लस 1 ये होएगा हमारा 16, तो ये बचा हमारा प्लस का, ये तो बचेगा प्लस का कितना 12, ये 13, तो ये आया 39। फिर एफ थ्री, एफ थ्री इसके अंदर डालेंगे हम 3 3 9 9 3 27, ये हुआ हमारे पास 54, 3 3 9 और 15 9 135, और यहाँ पर हम डालेंगे कितना 3 डालेंगे तो ये दोबारा कितना बनेगा 108 और प्लस 1, इसे आप सोल्व कर लीजिए, ये तुम्हारे पास आएगा 109 प्लस 54 163 माइनस 54 901, ये आया हमारे पास 109। अब है F5 पर हम चेक करेंगे, जब हम F5 पर से चेक करेंगे यहाँ से एक मिनट, ये F3 पर जो है ये हमारे पास ये आएगा, एक मिनट ये है, ये गलत हो गया हमारे पास, 2 2 4 2 8 2 16 60, ये तुम्हारे पास आएगा 29, ठीक है, और ये जो है हमारे पास F3 सॉल्व होके हमारे पास आएगा ये 20, यहाँ ये सॉरी मैंने 135 माइनस करना था, ये तुम्हारे पास आएगा 109 प्लस 54 61, और इसमें से माइनस करेंगे 135, तो ये आएगा तुम्हारा 8 और 8 यहाँ से आया 2, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी ये 28 आई है, ये आएगी 28। और F5, अब आप इसमें 5 डाल दीजिए तो ये आएगा तुम्हारा 125 250 माइनस 225 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करके आपका आएगा 56, ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आई, 56 5 पर आई, और सबसे छोटी वैल्यू 24 आई, तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 56 एट x इज इक्वल टू 5, और द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 24 एट x इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, जिसमें हमें इंटरवल दिया होता है, तो आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करनी है, वहां से एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे और साथ में ये दो वैल्यू उठा लीजिए इंटरवल की, सारी वैल्यूज को एफएक्स में डालिए, तो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। सो गो द वीडियो नोटेड डाउन।